रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया फूड। आज हम बनाने लगे हैं ओरिजिनल और बड़ा यूनिक स्टाइल का मार्बल केक, और ये आपके लिए सरप्राइज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप्स हम ऑल पर्पज़ फ्लार ले लेंगे, 1 कप हम लेंगे शुगर, 2 टीस्पून ले लेंगे हम बेकिंग पाउडर, 185 ग्राम हम लेंगे बटर अनसॉल्टेड, 3 लार्ज एग, 1 टीस्पून हम लेमन जूस लेंगे, 1 लेमन का जेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून हम लेंगे ऑरेंज जूस, 1 ऑरेंज का हम जेस्ट लेंगे, 1 टेबल स्पून हम कोको पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून हम मिल्क लेंगे, 1 टेबल स्पून हम लेंगे चॉकलेट। फूड कलर हमारे पास येलो और ऑरेंज है, और साथ में वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून हम डालेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, रूम टेम्परेचर पे मेरा बटर है, इसे मैंने मिक्सिंग बोल में डाल लिया है, और साथ ही मैं इसमें साइड पे शुगर ऐड करके और मैं मशीन चला लूँगी, क्योंकि मशीन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तो उसके दरमियान में मैं बोलूँगी नहीं, इतना मैं इसे बीट करूँगी कि ये मज़ीद लाइट कलर का हो जाए। बटर का कलर चेंज हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया। अब हम 1 बाय 1 इसमें एग ऐड करेंगे और साथ साथ हम बीट करते जाएंगे। पहले एग डालेंगे, उसको अच्छी तरह बीट करेंगे, फर्म हो जाए, उसके बाद दूसरा डालेंगे। बहुत अच्छी फर्म और फ्लफी सी लुक आ गई है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे और उसमें हम बेकिंग पाउडर पहले से ऐड कर लेंगे और ग्रेजुअली हम डालेंगे। इसकी हम मिक्सिंग करेंगे मैदे के साथ, और बड़े लाइट से हाथ से हम करेंगे, उसके बाद हम इसके 4 पोर्शन बना लेंगे, फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। हम इसके लिए फोल्डिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करते जाएंगे, रैप करते जाएंगे, और ये बहुत अच्छा सा फ्लफ आपको स्मूथ सा पता चलता जाएगा कि ये हो गया। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको सॉफ्टली इसको टर्न करते रहना। बहुत अच्छी सी इसकी फोल्डिंग हो रही है, ये देखें 9 बाय 9 इंचेस का बेकिंग पैन मैं रेडी कर चुकी हूँ। आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं और एम्बॉस्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्रीस कर लिए, ये रेडी हो गया, इसको डस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बटर पेपर यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा सा आप मैदे के साथ थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। और अब मैं इसको जो मैंने बटर तैयार किया है उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करने लगी। बटर के अंदर हम 1/2 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस और इसको इसके अंदर फोल्ड कर देंगे बस। सेकेंड में हमारा 1 टीस्पून लेमन जूस जाएगा, 1 लेमन का जेस्ट चला जाएगा और फ्यू ड्रॉप्स हमारे येलो कलर के चले जाएंगे। इसको भी अब हम मिक्सिंग करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा ऑरेंज जूस 1 टीस्पून, 1 ऑरेंज का जेस्ट जाएगा और फूड कलर जाएगा फ्यू ड्रॉप्स। पार्ट में कोको पाउडर, मिल्क और मेल्टेड चॉकलेट हम डाल देंगे। आप मेल्टेड भी डाल सकते हैं, मैंने कुकिंग चॉकलेट को वैसे ही रखा है थोड़ा सा इसमें फ्लेवर अच्छा देने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें मेल्ट होगी तो बड़ा अच्छा सा इसमें टेक्सचर आ जाएगा। अगर आपके पास फूड कलर चॉकलेट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कुकिंग चॉकलेट डाल दी है तो वो कलर बड़ा अच्छा इसमें आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हो आपके पास कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट फूड कलर। ये चारों जो हैं लेयर्स रेडी हो गई हैं, वनीला, लेमन, ऑरेंज और चॉकलेट। अब हम मार्बल के लिए लेयर्स डालेंगे। फर्स्ट लेयर हम वनीला की डाल देंगे,
बस इसमें आपका जैसे दिल चाहे आप इसमें लेयर डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा सारे बैटर्स में से निकाल निकाल के। अब हम इसे थोड़ा सा टैबिंग करेंगे और हम बेक होने के लिए 1 आवर और 20 मिनट्स या 80 मिनट्स का आप टाइमर लगा लीजिए और इसको बेक करने के लिए दरमियान वाली लेयर में डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बेक हो गया, 1 आवर में ही 60 मिनट्स में ये रेडी हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे कूलिंग रैक पे सेट करेंगे। ज़बरदस्त है, मार्बल केक की रेसिपी रेडी हो गई है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल नादिया फूड को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम इसको अपसाइड डाउन करेंगे।